Let's go. So hello everyone, welcome back to the channel and you are watching Jojo Moto Vlogs. तो बहुत दिनों बाद आज फिर एक बार ब्लॉगिंग करने निकल चुके हैं बिकॉज आज बारिश नहीं हुई और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है अपने बांदा पे खासकर, तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जहाँ जब बारिश ना हो, तो वो एक बड़ा रीज़न था वीडियो ना आ पाने का बिकॉज अगर कहीं भी जाने की प्लानिंग करते थे तो बारिश हो जाती थी तो वो प्लान ड्रॉप करना पड़ता था। लेकिन आज का मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, तो आज सोच रहे हैं कि आज जाए हम लोग में जा रहे हैं, सुशील है और रोहन है स्कूटी पे जो आपने देखा अभी, तो चलिए चलते हैं। और क्या ही बताऊं मैं, काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग करके अच्छा लग रहा है, हेलमेट पहन के आप लोगों से बात करके। तो ये आ गए हम बाईपास, चलो। तो ये है बाईपास और ये बाईपास हो रही है चौड़ी बिकॉज उधर की रोड और चौड़ी हो रही है, ये डबल लाइन बन रही है, अभी डबल लाइन है, फोर लाइन बन रही है, सॉरी ये फोर लाइन बन रही है क्योंकि डबल लाइन तो है और चकली होगी तो पूरी फोर लाइन हो जाएगी। तो अभी हम चल रहे हैं बाईपास पे और फिर बाईपास से चलेंगे तिंदवाड़ी रोड। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग करके अच्छा लग रहा है अपन को। तो अभी हम आ गए हैं तिंदवाड़ी रोड, पानी का टैंकर गया हुआ है बिकॉज देखो पानी पानी हो रखा है पूरा रोड पे, पानी पानी हो रखा है। और धूप यार, मतलब अभी तीन चार दिनों से मैंने इतनी धूप नहीं देखी है, आज कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही है बिकॉज पहले का मौसम बादल बादल रहता था, मतलब बारिश होने वाली होती थी, बूंदें पड़ती थी और पूरा माहौल बन जाता था बारिश का, बट आज तो अलग ही माहौल है, धूप निकला हुआ है। चलो ऐसे ही रहे, थोड़ा सा धूप कम हो जाए, बाकी बारिश नहीं हो अभी, अभी फ़िलहाल नहीं हो, एक दो घंटे तक, उसके बाद हो जाए जब ब्लॉगिंग हो जाए कंप्लीट क्योंकि अपना काम हो जाएगा फिर बारिश भी हो जाए, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। और अभी अगर बारिश हो जाएगी यार तो फिर वही है, कहीं पेड़ के नीचे छुपना पड़ेगा बिकॉज अपने पास कुछ है भी नहीं, छाता लेके थोड़ी चलेंगे ड्राइव राइड पे। तो अभी हमने क्रॉस किया है महोखर, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर है बांदा से अगर देखा जाए तो, 7-8 किलोमीटर है। तो ये चित्रकूट से, बांदा से, हमीरपुर से, महोबा से निकला हुआ है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा यार अगर बन जाएगा, सालों में ये कंप्लीट होता है, वैसे काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है फिर भी अभी टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 से 2 साल तक। और अपन लोगों ने ले लिया है स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक और कुछ चिप्स वगैरह खाने को बिकॉज भूख लगेगी तो खाएंगे कुछ ना कुछ। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, लुक एट द व्यू मैन, कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं बादल, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। अब आई डोंट नो कि रास्ता कहाँ से होगी अगर हमें जाना है तो, बिकॉज यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं रहा कि क्या ये लेबल हो रहा है। अबे आगे खड़ी करो मर जाएंगे, बहुत धूल है। तिंदवाड़ी 16 किलोमीटर सो हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली धूल तोड़ेगी ही। बस यहीं पे रोक लो, छाँव में, छाँव में रोक लो, छाँव में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा तो लग रहा है, रास्ता कहाँ से है। तो अभी क्या है कि यहाँ आ तो गए हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रास्ता कहाँ से है डूड, यहाँ से भी मतलब चारों तरफ से बंद है
रास्ता दिख ही नहीं रहेगी, कहाँ से रास्ता है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखो भैंसे चल रही हैं, ये सब यहाँ पे घास मंडली। और यहाँ की बात करूँ तो ये तो मिट्टी का है यार, और आगे से कटआउट है, आगे से है कटा हुआ, तो इतना तो कंफर्म है कि आगे नहीं है जाने का रास्ता। क्या चलो लॉक लगा देना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ियां वहां पे खड़ी कर दी हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहां से पैदल, बिकॉज यहां से गाड़ियां जाना ले जाना इम्पॉसिबल है। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ यार, और मैंने हेलमेट लगा रखा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये तो बीहड़ है कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ यार, तो तालाब बन गया यहाँ तो अच्छा खासा, 50 फीट से तो ऊपर ही होगा अगर देखा जाए जो ज़मीन से। चलिए ऊपर चल के मिलते हैं आप लोगों से। पहाड़ों के ऊपर पास देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। गजब की फोटो आ रही है यार, ये डन गजब। हाईवे के ऊपर और हम लोग उड़ा रहे हैं ड्रोन, और वहाँ पे अपनी खड़ी है बाइक, अगर आपको दिख रही है वो खड़ी है, दो एक अंकल भी खड़े हैं वहाँ पे। ये 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 चलो, वो उड़ गया, अरे उड़ गया दादा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। तो चलिए एक दफ़े ड्रोन शॉट का पूरा ओवरऑल व्यू दिखाते हैं कैसा लग रहा है, फिर आपसे मिलते हैं हम ड्रोन के शॉट के बाद। हम लोग बाइक के पास, और सामने से रोशनी आ रही है, इसलिए दिखने लगा होगा ये बाइक, अभी 2 दिन पहले धुली थी फिर गंदी हो गई। और ये खड़ा है जंगलेटर, ये अपनी बाइक। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं, मोड़ते हैं और फिर मिलते हैं आपको रोड पे, और इस वीडियो को एंड कर देंगे रोड पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब अगर पानी ना बरसा ऐसे ही तो मैं सोचूंगा जल्दी नए नए ब्लॉग लाने के लिए, पानी बरस जाता यार तो प्रॉब्लम होती है फिर, इसलिए पानी अगर नहीं बरसेगा, हाँ मिडिल फिंगर दिखाओ हम ही को, पानी नहीं बरसेगा अगर तो वीडियो ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा, लेकिन पानी बरस जाता यार तो फिर ये होता है यार कि अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा बिकॉज आज हो गई है शाम और रात के वीडियो अपलोड करने में मज़ा नहीं आती है, तो हम इसको अपलोड करेंगे कल दोपहर में 2 बजे। तो आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, यूट्यूब पर एक्टिव रहिएगा, ये वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो देखिए।